हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 11 में एंटर करने वाले हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसे भी हम लोग बहुत ही मज़ेदार वे में सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये यूनिट वेक्टर है क्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग का टॉपिक है यूनिट वेक्टर। हालांकि इसका जो फील है आप लोग को कुछ समय के बाद आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फील दिलाने की कोशिश करूँ तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि एक्चुअली में पिछला लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, और मैं उस टाइम भी डिस्कस किया था कि बताया था कि एक्चुअली में जब हम लोग यूनिट वेक्टर को पढ़ लेंगे तो हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में यूनिट वेक्टर से ना एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का एक छोटा सा रोल ये है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं और भी ज़्यादा थोड़ा फील दिलाने की कोशिश करूँ तो आप लोग देखोगे कि कभी भी ट्रैवलिंग पे जाते हो, टूर पे जाते हो, तो कहीं पर आपको ऐसा बोर्ड नजर आता है ना, उस पर लिखा हुआ रहता है, जैसे सपोज दैट मुंबई 500 किलोमीटर, दिल्ली 300 किलोमीटर है ना, एंड कोलकाता सपोज दैट कि 200 किलोमीटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। अब मान लीजिए सपोज दैट जिस डायरेक्शन से आप लोग जा रहे हो, ठीक है, उसके अलावा आपको तीन रास्ता दिख रहा है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक उस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो सपोज दैट आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली के लिए बताइए आपके पास तीन ऑप्शन रास्ता है, लेकिन हाँ ये डिस्टेंस लिखा हुआ है 500, 300 और 200। ठीक है, आप देख लिए कि दिल्ली कितना है, 300 किलोमीटर है, तो क्या यार डायरेक्शन नहीं देने से क्या आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता में सही जाना है? कोई अजनबी तो नहीं जा पाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब है कि इस पे एक देखिएगा डायरेक्शन भी लिखा हुआ रहता है कि मुंबई मान लीजिए इस डायरेक्शन पे जाना है, दिल्ली सीधा चले जाइए। ठीक है, बहुत कोई तो इसका ऊपर का मतलब है कि कहीं ट्रक के तो नीचे नहीं आ जाना पड़ेगा, जो कि ऊपर जाना पड़ेगा डायरेक्ट। ऊपर कहने का मतलब है वही पाथ को फॉलो करना है। ठीक है, और कोलकाता कहने का मतलब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन भी अटैच होता है। तो यार आप लोग ये बताओ क्या डायरेक्शन से क्या उसका मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे मान लीजिए कि कोलकाता का पाथ का जो डिस्टेंस है ना वो 200 किलोमीटर है ना, कोई अगर उस पर एक डायरेक्शन अटैच कर दे, एरो डाल दे, तो क्या 200 से वो 300 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है ना। मतलब ऐसा डायरेक्शन जो कि एक्चुअली में उस मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो डायरेक्शन ही है ये, है ना। यूनिट वेक्टर क्या है? एक तरह का डायरेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को डायरेक्शन देता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बताइए कितना कड़ा चीज़ है ये, है ना, एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने देता और साथ ही साथ हम लोग को डायरेक्शन भी बता देता है। तो बताइए ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, है ना। मतलब है पक्का ये कुछ यूनिट होगा, यूनिट है ना। बहुत लोगों को तो यूनिट का मतलब ही नहीं पता है, है ना। यूनिट वन को माना गया है, वन को यूनिट बोला जाता है ना, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं इसका रीजन की क्या है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअली में वन को यूनिट मानने का पीछे का रीजन क्या है ना। बहुत लोग बोलते हैं वन बहुत छोटा नंबर है दुनिया का, इसीलिए इसको यूनिट माना गया, नहीं है ना, जबकि तो उससे भी छोटा है कौन, जीरो, तो जीरो को यूनिट मानना चाहिए था। तो वन को यूनिट मानने के पीछे का सबसे बड़ा राज ये है ना कि दुनिया का आप कोई भी नंबर ले लो, उस पर अगर आप लोग वन से मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, इसलिए वन को यूनिट किया दिया गया। ठीक है, ये नहीं कि सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा तो जीरो है, क्लियर। तो दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो आप लोग, उस पर अगर वन से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं होता है, इसलिए जो है ना वन को यूनिट माना गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। ठीक है, और किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसको लगा देने से, क्लियर है बात। तो देखिए डायरेक्शन लगा देने से उसका मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग डायरेक्शन लगा रहे हैं ना वो एक तरह का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो आप लोग को बस इतना सा फील तो आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर मतलब है कि आप लोग सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना, उसका मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन, है ना, ओनली। ठीक है, ओनली हम लोगों को डायरेक्शन बताता है, लेकिन क्या इसका इतना ही सा काम है? इतना ही बहुत बड़ा रोल है इसका, है ना, अभी हम लोग सीखने वाले, देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन का। क्या चलो ये तो सीख गए हैं कि एक्चुअली में यूनिट वेक्टर है, लेकिन हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, है ना। जैसे सबका पहचान होता है अपना कलुआ ललुआ, है ना, काला है कालू, लाल ललुआ लाल है ना, तब ऐसे पहचाना जाता है। तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे है? तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ना बहुत ही आसान है। इसका रिप्रेजेंटेशन किसी भी सिंबॉलिक, अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो कोई भी अल्फ़ाबेट होगा और उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ रहेगा ना, तो वो कैप से पहचाना जा सकता है कि एक्चुअली में वो यूनिट वेक्टर है, क्लियर। और इसका जो फॉर्मूला है किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने का, वो क्या होता है, किसी भी वेक्टर फॉर्म को उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते हैं, तो एक्चुअली में वही जो निकलता है ना वो एक्चुअली में यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग को ये वाला फील के साथ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग सारे डायरेक्शन का जो हम लोग है ना रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। कैप लगा हुआ है मतलब वो यूनिट वेक्टर है, लेकिन हम लोग के पास तीन डायरेक्शन मेन होता है, पता है ये आपको, है ना, पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है ना यूनिट वेक्टर में आई कैप से दिखाया जाता है वेक्टर, किस चीज़ से, आई कैप से।
और y एक्सिस का डायरेक्शन j कैप से और z एक्सिस का डायरेक्शन k कैप से। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँ कि i कैप क्या बताता है, i कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, है ना, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। j कैप क्या बताता है बताइए, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। k कैप क्या बताएगा बताइए, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, ना, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, ठीक है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि i कैप, j कैप और k कैप कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो i कैप, j कैप और k कैप का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो 1 के बराबर होगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि डायरेक्शन लगाने से उसका मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अभी मैं फिर आप लोग को बताता हूँ, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक पोजिशन वैक्टर है ना, पोजिशन वैक्टर, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक ए है, ये अपना ओरिजिन है। ए पे मान लीजिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कहने का मतलब है एक्स एक्सिस में वो पार्टिकल एक्स डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस और जेड एक्सिस पे जेड डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ओ ए का रिप्रेजेंटेशन बताओ वैक्टर का, तो कैसे लिखोगे, एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स डिस्टेंस, और इसका रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप, तो एक्स आई कैप प्लस y एक्सिस में कितना डिस्टेंस चला गया है, y, और y एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताता है, j कैप प्लस z एक्सिस का डायरेक्शन पे बताइए कितना डिस्टेंस चला है, z, और z एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताएगा, k कैप, है ना। अगर सपोज दैट इसके जगह कोई नंबर होता 2, 3, 5, ठीक है, तो कैसे लिखते बताइए ओ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, x एक्सिस में 2 यूनिट चला है, और कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में 2 यूनिट है x का, तो इसलिए इसका डायरेक्शन लगाना जरूरी है, i कैप। तो i कैप कौन बताता है बताइए, i कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो साफ साफ पता चल रहा है कि 2 यूनिट x एक्सिस में चला है ना, y में कितना चला है 3, और y एक्सिस का डायरेक्शन j कैप बताता है, और k कैप में मतलब z एक्सिस में कितना चला है 5, तो 5 k कैप। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पोजीशन वेक्टर का हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर के तहत, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग इसे नोट कर लें, फिर हम लोग इसका आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर यूनिट वेक्टर बहुत ही बेहतरीन वे से समझना है ना, फील के साथ, तो उससे पहले हम लोग को मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना, कि एक्चुअली में ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, ठीक है। हालांकि बहुत लोगों को आता होगा, है ना, और वैसे भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर मैं चाहता ना मैग्नीट्यूड का आप लोग को यूं ही ऐसे ही चुटकी बजाते ही सिखा सकता था, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ना थोड़ा ज़्यादा फील के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। हालांकि सॉल्व तो करेंगे हम लोग चुटकी बजा के ही, ठीक है, वो देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक वैक्टर है ओ वैक्टर, जैसे ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो इसका मतलब तो आप लोग समझ सकते हो यार कि x एक्सिस में कितना चला है 2 यूनिट और y एक्सिस में कितना चला है 3 यूनिट, ठीक है। अगर मैं इसे आप लोग को ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, ड्रॉ करके, तो ज़्यादा फील आएगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, है ना, ओरिजिन है। तो देखिए x एक्सिस में कितना यूनिट चला है, 2 यूनिट मान लीजिए यहाँ पर है, y एक्सिस में 3 यूनिट मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, और इसका जो नेट है ना, नेट किधर जाएगा, ओरिजिन से। अब ऐसे समझ सकते हो कि इधर से 2 से खींचा जाए, इधर से 3 से, तो पक्का है कि नेट रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही होगा। तो देखिए ये नेट रिजल्टेंट यही वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये है आप लोगों का नेट रिजल्टेंट, ठीक है, ये वाला। चलिए, तो ये जो है ना ए है आपका, देखिए कितना दिया हुआ है 2, 3, इसका मतलब है कि x में 2 यूनिट चला है और y में 3 यूनिट चला है, क्लियर ये बात। चलिए अब मैं बोलूँ कि बताइए क्या OA का डिस्टेंस आप लोग बता पाओगे, यही आप लोगों का मैग्नीट्यूड है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दी दैट पॉइंट, है ना, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना है, उस पोजिशन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या है, वही आप लोगों का मैग्नीट्यूड है। बताइए कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, x एक्सिस में 2 यूनिट चला हुआ है और y एक्सिस में कितना चला है 3 यूनिट, है ना। वीडियो स्किप एकदम नहीं करोगे, है ना, लास्ट में एकदम बहुत ही मजे वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तरीका बताऊंगा। देखिए, है ना, x एक्सिस में 2 यूनिट और y एक्सिस में 3 यूनिट, चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच मतलब कौन है, यह अपना ओए ही है ना, यही तो मैग्नीट्यूड निकल रहा है। पी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए, ओए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर के रूट आ जाएगा। तो OA, देखिए OA का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही होता है ना, रिप्रेजेंटेशन में मैं बता चुका हूँ अच्छे वे में, ठीक है। 9 + 4 = 13, अंडर रूट 13 आ जाएगा, इतना यूनिट आ जाएगा बताइए, देखिए कितना वे में, अच्छे वे में समझ पाए। बताइए OA का डिस्टेंस और कोई तरीका नहीं था क्या यार बनाने का, था, देखिए वो ओरिजिन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, 0,
तो बताइए अगर मैं OA का डिस्टेंस निकालूं तो क्या डिस्टेंस फार्मूला से नहीं निकाल सकता था क्या? और करके देखिए तो क्या फार्मूला होता है बताइए, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस जीरो मतलब टू का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, y2 माइनस वाई वन मतलब 3 माइनस जीरो, थ्री का स्क्वायर, है ना। देखिए 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यार आप लोग u ऐसे नहीं बनाओगे ना, अब बहुत ही आप लोग चुटकी बजाते ही आंसर आना चाहिए। क्लियर, देखिए कैसे, आप लोग का वेक्टर OA दिया हुआ था, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालते बताइए, आई कैप का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर कर दोगे, तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर कर दोगे, बस सिंपल। और आप लोग को कुछ नहीं करना है, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 13। देखिए ये है तरीका है ना। अब वेक्टर जब दिया हुआ रहेगा ना तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस अगर के कैप है तो के कैप का भी कोफिशियंट का स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, ऐसे यू ही चुटकी बजाते ही आंसर आना चाहिए, चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका वैक्टर ए दिया हुआ है, टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके बताइए कैसे निकालोगे, क्या बताया, अंडर रूट आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर। अच्छा ये जे कैप हो गया, है ना, ये ज़्यादा ही जज्बाती हो गया। ठीक है, देखिए जे कैप का कोफिशियंट 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशियंट 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। जल्दी से फटाक से ऐड करके बताओ कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 4 20 20 20 40 45 यानी अंडर रूट 45। अब अलग की बात है, आप लोग सॉल्व कर लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, जो स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है उसको निकाल लो, है ना। 59 जो 45 मतलब 3 निकल जाएगा 5, है ना, इतना यूनिट आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। देखो कितना बेहतरीन वैसे आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा ही ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। अब देखिए हम लोग यूनिट वेक्टर को ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे, है ना, कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो एकदम बढ़िया वे में समझा दूंगा, ये तो मेरा गारंटी है ना, तो कुछ भी आप लोगों को टफ नहीं लगने वाला है। ठीक है, अभी क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैप, और फॉर्मूला क्या होता है, उसी का वेक्टर को उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ठीक है, ये है आप लोगों का मेन फॉर्मूला। ठीक है, और यूनिट वेक्टर जो है सिर्फ हम लोगों को डायरेक्शन देता है। क्लियर ये बात, चलिए देखते हैं। अब जैसे कल के दिन मान लीजिए, सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए जो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। देखिए तीन डायरेक्शन वाला मैं ले लिया हूं, ठीक है। चलिए तो बताइए अगर मैं बोलूँ इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे, उसी का वेक्टर में से उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो चलिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो यार, कैसे निकालोगे बताइए, अभी तो सिखाया कुछ देर पहले, अंडर रूट आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा जरा बताओ, है ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा जरा बताओ जल्दी से, 16 प्लस 4 20 और अंडर रूट देखिए 29 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब मैं बोलूँ नहीं इसका यूनिट वेक्टर निकाल करके बताओ तो कैसे निकालोगे बताइए, यूनिट वेक्टर कैप से दिखाएंगे, है ना, उसी का वेक्टर फॉर्म को उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड दिया जाता है। देखो अभी भी फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो बताइए ए कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर ए कितना दिया हुआ था, 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे निकालोगे बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल के रखा हूँ मैं पहले से, अंडर रूट 29। ठीक है, तो ये आप लोगों का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, कितना आ गया यूनिट वेक्टर, थोड़ा सेपरेट कर लो आप लोग इसे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखिए 2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 बाई अंडर रूट 29, है ना, जे कैप प्लस 4 बाई अंडर रूट 29 के कैप। देखिए ये आप लोगों का आ चुका है यूनिट वेक्टर। अभी मैं क्या सिखाया था कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो चलिए हम लोग इस बात को भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इस बात को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि एक्चुअली में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कैसे निकालते हैं। अब बताइए ये रहा आप लोग का यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालना कैसे सिखाया बताइए, अंडर रूट आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा, आई कैप का जैसे ही कोफिशियंट का स्क्वायर करूंगा 2 बाई अंडर रूट 29 का होल स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 बाई अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा जरा बताइए 4 बाई अंडर रूट 29 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लीजिए जल्दी से फटाक से, कितना आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, रूट अंडर 29 का स्क्वायर 29 आएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, है ना, सॉरी
3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 29 का स्क्वायर 29 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, अंडर रूट 29 का स्क्वायर 29 ही आएगा। एलसीएम ले लीजिए, नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 29 है ना, अंडर रूट 29। तो बताइए ऐड कीजिए 4 प्लस 9 प्लस 16, तो बताइए अंडर रूट कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 20 और 9 29 बाई 29 कट करके कितना आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 होता है। तो देखिए आप लोग को यहाँ साफ साफ पता चल रहा होगा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, क्लियर है ये बात। चलिए कितना बेहतरीन वैसे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। कल के दिन अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है ना, तो आप लोग को बोला जाए यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, ठीक है, तो चुटकी बजाते आंसर आना चाहिए। बोले यार चुटकी बजाते कैसे आ जाएगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट कल के दिन वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, ऐसा कुछ। बोला नहीं यार हमको यूनिट वेक्टर बता दो, कैसे बताओगे, सबसे पहले उसी वेक्टर को लिख लोगे पहले, और मैग्नीट्यूड लिख लोगे अंडर रूट आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशियंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बस फटाक से सॉल्व कर दो, आपका हो गया यूनिट वेक्टर, है ना। तो ऐसी ही चुटकी बजाते ही आंसर आना चाहिए, क्लियर। चलिए एक लास्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है, हालांकि इसी को हम लोग एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखने वाले हैं ना, और कुछ नहीं है यहाँ पर, हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू से सॉल्व किए, अब हम लोग डायरेक्टली एक्स वाई जेड से सॉल्व कर लेंगे, बस और क्या हो गया, यूनिट वेक्टर खत्म। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली में क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो कल के दिन अगर आपको कोई वेक्टर ए दे दे, सपोज दैट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस जेड के कैप, ठीक है, बोला जाए कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट वेक्टर कितना आएगा, तो कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रहा आपका यूनिट वेक्टर, लिख लिए कितना इजी वे में, देखिए कितना खतरनाक चीज़ है, ठीक है। और मैं ये बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप से दिखाया जाता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन को जे कैप से, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन के कैप से, और नेगेटिव वाला नेगेटिव से, ऐसा नहीं है कि माइनस एक्स एक्सिस को किससे दिखाएंगे, तो माइनस आई कैप से, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस को किससे दिखाएंगे, माइनस जे कैप से, और के कैप किसका बताता है, जेड एक्सिस का, तो माइनस जेड का कौन बताएगा, माइनस के कैप, ठीक है। तो गाइज इस तरह से देखिए यूनिट वेक्टर को लिखना कितना आसान हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत ही मज़े में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, एडिशन ऑफ टू वैक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैक्टर, ठीक है। तो थैंक यू।